वेलकम बैक नाजीन। और अब कुछ बात कर लेते हैं रिसेंटली जो है वह केस तो वैसे भी होते ही रहते हैं, इस पर क्या कार्रवाइयाँ होती हैं वो समझ में नहीं आता, अल्तवा का शिकार केसेस सामने रहते हैं। वीर जी, अभी रिसेंटली जो है DHA में लड़की का अगवा हुआ है और निम्रता केस हमने देखा, इस तरह के केसेस सामने आते रहते हैं, क्या वजह है इनकी? देखें, दुआ मंगी की आई थिंक क्या बात कर रहे हो। दुआ मंगी जो बच्ची अमेरिका में पढ़ती थी और वहाँ से इधर आई और फिर वो किडनेप का पूरा उसी दिन हमने फौरी तौर पे जो हमारा मेरी जिम्मेदारी बनती थी, मुझे CM साहब और सब ऑन बोर्ड हैं सब, और CM साहब ने उस पर एक्शन लिया। मैंने फौरी तौर पे उस पर लेटर लिखा SSP साहब को, उन्होंने फ़ोन पे उनसे बात की। आज अभी क्योंकि मुझे किसी और TV पे एक प्रोग्राम है जो स्पेशली इस पर डिस्कस होगी, तो अभी थोड़ी देर पहले आधा घंटा पहले मेरी SSP साहब से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमने एजेंसीज़ को भी बीच में इन्वॉल्व किया है जो खुफिया तौर पे चीज़ों को देखते हैं और बाकी सारे बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या लगता है आपको, उन्होंने ये केस उन्होंने कुछ मुझे पर्सनल दुश्मनी जाती उस पे था या मतलब क्या मैं था मैंने कुछ उनसे यही पूछा। मैंने कहा आपको अभी तक की क्या क्या अपडेट है उन्हें ना? इन्वेस्टिगेट अभी तक, मैंने कहा आपके क्या माइंड बने। उन्होंने कहा कि हमें सख्ती से मना है कि जब तक चीज़ फाइनल लेवल पर, कह रहे कुछ चीज़ें हमें मिली हैं, कुछ क्लूज हमें कुछ मिले शवाहिद हैं मिले मिले हुए हैं। हैं, लेकिन जब तक वो चीज़ फाइनल नहीं होती हम आपको नहीं बता सकते। तो हमारा जो काम बनता था फौरी तौर पे वो है कि हमारा हमने एक्शन लेना था, कमिटीज बनानी थी, तो हमने बहुत और तरह तरह की हर लेवल पे, भाई ये अगवा भरा तावान भी हो सकता है, अगवा भरा कुछ और भी हो सकता है, तो जो जो हर लेवल पे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ एक दो दिन के अंदर आपको फाइनल बता देंगे। उन्होंने कहा कि हम किस लेवल तक पहुंचे हैं लेकिन आपको बता नहीं सकते। आपको क्या लगता है कि आप अगर कड़ियों से कड़ियां मिलाएं तो आपका तज्जिया क्या कहता है कि मुझे ये समझ में आ रहा है या कुछ नहीं अभी समझ पा रहे आप? मुझे समझ ये आ रहा है कि अगर हम सोसाइटी एज ए सोसाइटी अगर हम इंसान नहीं बने, तो मुझे वो खौफ है, मुझे डर है कि वो किसी एक शेर का, किसी का शायर है ना, कि एक मासूम बच्चा है तो उसका, क्योंकि पैदा होता है उसका नाम नहीं होता है, तो उसको हाथ में लेकर वो कहता है, जिसको रफीक साहब ने बहुत अच्छा गाया है, कि अच्छा है कि अब तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है, जिस इल्म ने इंसान को तकसीम किया उस इल्म का तुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू और मुसलमान बनाया, तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो ये हमारी सोसाइटी उस लेवल पर जा रही है कि यहाँ इंसान पैदा होने से घबराएगा, अगर हमने खुद जो ठीक नहीं, ये सोसाइटी की तो जिम्मेदारी हुकूमत बनती। इस हवाले से क्या इकदाम गवर्नमेंट करती क्या, दिखाई दे देखो रही है मैं आपको, जो ये बताएं, गवर्नमेंट का क्या इसमें गवर्नमेंट की रोल अफेक्ट जिम्मेदारी है? ये बनती है कि वाकया हो गया उस पर जाहिर है गवर्नमेंट तो एक्शन लेती क्योंकि है। हम देख रहे हैं इस तरह के वाकयात जो हैं तेजी से परवान चढ़ते जा रहे हैं, हर आने वाले दिन के साथ कुछ इस तरह का हो जाता है नहीं और फिर नहीं हम नहीं नहीं देखते नहीं हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसे हो ये रहे वही हैं। कराची शहर है, हाँ ये वही कराची शहर है जहां पर आपको बोरी बन डेड बॉडीज मिलती थी आप ये, और इतनी दूर की बात नहीं है, मेरा ख्याल है कि आपने देखा होगा, आपकी भी उम्र इतनी नहीं है, तो ये उससे बहुत ज़्यादा जाहिर है चीज़ें ठीक हुई हैं, और इसमें तमाम इदारों का उसमें जाहिर है उनका किरदार है, तमाम इदारों का किरदार है, चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं कराची सही। में, वरना कराची तो बंदा आने से डरता था और जब आ हाँ, जाता था अमन तो कायम हुआ है, जो अमन फैक्ट कायम है हुआ वो है है। उस लेवल पे है, हाँ, लेकिन लेकिन इस हाँ तरह के क्योंकि वाकयात की इंसानों रोकथाम का, कैसे ये मुमकिन है, इंसानों क्या का कहेंगे? समुंदर है कराची, इंसानों का समुंदर है, इसमें इस तरह के इंसिडेंट होते हैं। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये बनती है कि कहीं भी इस तरह के, तो जाहिर है उनको तो अपना अपनी रिट कायम करनी होती है, तो फौरी तौर पर उस पर एक्शन होता है, और लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं सारी जिम्मेदारी उनकी बनती है, काम उन्होंने करना होता है, सही। गवर्नमेंट उनके साथ है और हम उनके साथ हैं, उनके साथ हम मुसलसल रबते में हैं, जो भी अपडेट होती रहते रहते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की देखो हम जो हम जब गाँव में जाते हैं देहातों में जाते हैं, तो ये क्योंकि हमारा ह्यूमन राइट्स का जो डिपार्टमेंट है उन पे ज़्यादा हम केसेस पे जी ज़्यादा और अवेयरनेस पे ज़्यादा काम करते हैं कि लोगों को अवेयरनेस दें, तो हम लोगों को कहते हैं कि देखो ऑनर किलिंग के नाम पे किसी औरत को कोई कत्ल करके आता है, तुम उसको कहते हो कि वाह क्या बंदा गैरतमंद बंदा है, मैंने कहा आप उसको बुरा कहना सीखो जाके इस चीज़ों को रोकथाम। तो ये सही। सोसाइटी की भी जिम्मेदारी बनती है कि देखो जिसने कत्ल किया या जिसने इस बच्ची को अगवा किया, बंदा तो कहीं ना कहीं होगा ना, किसी बिल्कुल ना किसी को तो पता होगा ना, बिल्कुल। तो कोई बंदा जो साथ होगा वो उसका साथ क्यों दे रहा है? अगर वो कोई एक क्रिमिनल बंदा है उसको कोई साथ देना छोड़ दें सही। तो उसको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, उसको मोर्चा नहीं मिलेगा कहीं बैठने का। तो मैं ये समझता हूँ कि एक एज ए सोसाइटी वो अपनी जिम्मेदारी लें, तो इस पर गवर्नमेंट गवर्नमेंट तो एक्शन लेगी, उनको पकड़ाएगी, कोर्ट में पेश करेगी, कोर्ट ने फिर ट्रायल चलाना है, फिर उसको सजा देनी है, एक बंदे को सजा मिल गई फिर कोई और आएगा फिर उसको पकड़ेंगे फिर उसको जेल में डाल देंगे, लेकिन सोसाइटी और गवर्नमेंट एंड बोर्ड होके और सब मिलके सोसाइटी की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ऑफ कोर्स के हर शहरी की जिम्मेदारी, क्योंकि जो बिल्कुल। एक बंदा है जो यहाँ इस सोसाइटी के अंदर पैदा हुआ है उसका
उसके जो माँ बाप हैं उसके वालदेन जरूर हैं, लेकिन उसकी उसकी जो जिम्मेदारी उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी स्टेट की है। सही। तो अच्छा, एज अ ह्यूमन राइट एक्सपर्ट आप क्या कहेंगे, आपका क्या ओपिनियन है, हमें किस तरह से इसकी रोकथाम जो है वो मुमकिन हो सकती है? आपका भी तो होगा ना, आप तो इससे इस पेशे से वाबस्ता हैं, आप क्या कहते हैं, क्या क्या ऐसे इकदाम करने की हमें ज़रूरत है जिससे इन चीज़ों में जो है कमी आ सके? देखो, गवर्नमेंट ने कानून साजी की, गवर्नमेंट ने सज़ा मुकर्रर कर दी, गवर्नमेंट ने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, थाना है, पुलिस है, सब कुछ है। अब कंप्लेंट सेल भी हैं, कंप्लेंट सेल है, नंबर भी सुना दिया सबको। अब जिम्मेदारी लोगों की ये बनती है, सोसाइटी की बनती है कि कहीं भी ऐसा मसला हो रहा हो तो फौरी तौर पे उस पे लोग भी डर जाते हैं ना, कहते हैं कहीं हम भी इसका शिकार ना हो जाएं, हम भी मुलावस ना हो जाएं इसमें। ऐसा नहीं है, देखो ये पहले होता था, पहले होता था कि आपने जो कहीं से भी बंदा इन्फॉर्म कर दिया तो फिर उनको उनसे उनको घसीटते थे कि भाई आपको कैसे पता चला, किधर से पता चला। अभी ये लॉ में नहीं है, तो इस वक्त कहीं कहीं भी वायलेशन हो रही हो तो मैं आपके चैनल के थ्रू में पूरे तमाम पब्लिक को कहता हूँ, पब्लिक को ये कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज आप हमारा साथ दें। आप गवर्नमेंट जो है ना वो सिर्फ वो नहीं है जो ये कैबिनेट के अंदर लोग बैठे हुए हैं, ये स्टेट हमारी है, रियासत हमारी है, मुल्क हमारा है, हम सबको ऑन करना है। जिम्मेदार शहरी की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो इसमें हमारा साथ दें, और कहीं भी ऐसी कोई कहीं भी वायलेशन हो रही हो, कहीं भी इस तरह का कोई क्राइम हो रहा हो तो फौरी तौर पे हमें इतला करें, उसकी फिर लीगल एक्शन हमारी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, ठीक है। वीर साहब की इसी अच्छी बात के साथ जो प्रोग्राम है अपने इख्तिताम को पहुंचा है, अपनी होस्ट कौकब फारूकी को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।